हाय, दिस इज़ कमलदीप हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इज एम आर का प्रयोग हम इंग्लिश सेंसेस में कैसे करते हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश लर्नर्स इन्हें लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा कि आप कभी कंफ्यूज मत हो और आप जिस भी पर्पज़ के लिए अपनी इंग्लिश सीख रहे हैं उसमें कभी कंफ्यूजन अराइज ना हो। सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट केस है जहां पे इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, वो केस है नो एक्शन सेंटेंसेस। नो एक्शन सेंटेंसेस से मेरा मतलब होता है उन सेंटेंसेस में जिसमें कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। सो दोस्तों, इस केस में देखिए, कहीं पे भी हमने मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से मतलब होता है करता, यानी कि जो कोई काम करता है। यहाँ पे एक प्रोनाउन है दे, उसने काम किया है। दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, यानी कि किसी की क्वालिटी, किसी नाउन की क्वालिटी। सो दे आर ऑनेस्ट। दोस्तों, अब दूसरी बात समझिए कि इज एम आर, पहली बात तो यह है कि हमने प्रेजेंट सिचुएशन में बात करनी है। वर्तमान की जब हम बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, पास की बात नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ही, शी, इट या किसी एक भी व्यक्ति के साथ किया जाता है, जैसे कि राम इज ऑनेस्ट। और आई का प्रयोग हम हमेशा एम के साथ करते हैं। आर का प्रयोग वी, यू, दे के साथ किया जाता है। सो जो दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि शी इज ए सोफिस्टिकेटेड गर्ल, वह एक सोफिस्टिकेटेड लड़की है। सो दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए, हमने शी का प्रयोग किया, शी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और एक सोफिस्टिकेटेड गर्ल क्या है, एक नाउन, नाउन के आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नाउन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, आई एम गुड एट स्टडी, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों देखो, मैंने आई के साथ एम किया है और गुड क्या है, एक एडजेक्टिव। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं उसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ए एन का। यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ किया क्योंकि सोफिस्टिकेटेड गर्ल एक नाउन है। एक नाउन से मेरा मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। एक लड़की है, कोई भी वो वस्तु है, चीज़ है, जो भी है, वो एक मतलब यू नो थिंग। सो यहाँ पे गुड, गुड होता है किसी की क्वालिटी, में अच्छा हूँ, राइट। ये कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। वी आर नॉट कम्फर्टेबल विद हिम, हम उनके साथ कम्फर्टेबल नहीं हैं। इट इज़ ए टेबल, इट के साथ भी इज का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ए टेबल, ये एक टेबल है। अब दोस्तों, जैसे दिस एंड डैट, दिस होता है जो कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, डैट है जब कोई चीज़ दूर है। जैसे ये मेरी बाइक है, मैं कहूँगा ओ डियर दिस इज़ माई बाइक, ये मेरी बाइक है। या हम कहते हैं किसी को दूर इशारा करते रहते हैं, वो देख, डैट इज़ माई बाइक, वो मेरी बाइक है। ऐसे अगर हमने दीज और दोज की बात करें, जैसे कि दिस एंड डैट सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, एंड दीज एंड दोज जब हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई मेरे तीन चार दोस्त नज़दीक खड़े हैं, हम कहते हैं दीज आर माई फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। कोई दूर खड़ा है, हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यार दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। और WH फैमिली की बात कर लें, जिसमें होते हैं हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, तो उनके साथ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हु आर यू, आप कौन है, इसकी शुरुआत होती है हु फैमिली के किसी भी एक मेंबर के साथ। हमने अब यू लगे यूज़ करना है, तो यू के साथ होता है आर। हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। सो दोस्तों, इस प्रकार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर आपने इनको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो हम जैसे लिखेंगे दे आर नॉट ऑनेस्ट, इज एम आर के साथ नॉट लगा दें। शी इज़ नॉट ए सोफिस्टिकेटेड गर्ल, आई एम नॉट गुड एट स्टडी, राइट। इट इज़ नॉट ए टेबल, राइट। दिस इज़ नॉट माई बाइक। सो इस प्रकार हम नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी अगर हमने क्या करना होता है, इज एम आर को आगे ले जाते हैं, जैसे कि आर दे ऑनेस्ट, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है, राइट। दोस्तों, एम आई गुड एट स्टडी, फाइन। इज इट ए टेबल,
सो इस प्रकार हम सेंटेंसेस फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस से मेरा मतलब है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेज कौन से टेंसेज है पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं, इस ग्राफ को देखिए, एक टाइमलाइन को देखिए, हाँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और उस बात के दौरान कोई काम चल रहा है, हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेज वहाँ पर यूज़ करते हैं। राइट दोस्तों, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो। राइट, यू आर लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ देख रहे हो। सो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेज की बात करते हैं। यहाँ पे भी इज एम आर का प्रयोग होता है। सो दोस्तों अब ये फॉर्मेशन कैसे की जाती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेज की, ये है समझने वाली बात। आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, ही शी इट, जो भी करने वाला है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राम एंड श्याम, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर। अगर हमने जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया, ही शीट सिंगुलर है, इसका प्रयोग करेंगे, आई है, एम का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है, आर का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जाता है वो यूज़ किया जाता है, अगर नहीं है तो नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार अरेंजमेंट्स होती है, सब्जेक्ट या वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल राइट दोस्तों, अब जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब मुझसे कोई पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ भैया अभी। ठीक है, जब किसी ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बोलूँगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। राइट, उससे पूछा वे आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, जैसे यहाँ पे भी ये हो, हम पूछ लेते हैं वे आर यू गोइंग, वो कह रही है शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट जा रही है। सो यहाँ पे जैसे आई के साथ एम आया, शी के साथ इज आया, वर्ब देखो ये मेन वर्ब है दोस्तों। अब इसमें और जो हमने पीछे बात की है नो एक्शन सेंसेस, उनमें अंतर क्या है, इसमें हमने मेन वर्ब की बात की जाती है, उसमें मेन वर्ब नहीं होती। राइट, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जितने भी ये टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, मैं उसको बोल रहा हूँ यू आर नॉट गिविंग द आंसर, या फिर यू आर नॉट गिविंग द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी मेन वर्ब गिविंग है, यू के साथ आर, अगर नेगेटिव फॉर्म में लिखना है नॉट। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ करना है व्हाट आर यू डूइंग, अभी आप क्या कर रहे हो, या हमने पूछना है वो अभी क्या कर रहा है, सो वॉट इज़ ही डूइंग, नाउ भी लिख सकते हैं, या अकेला वॉट इज़ ही डूइंग। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट है वेयर आर यू स्टेइंग, आप कहाँ रुक रहे हो, वे आर यू स्टेइंग, आप कहाँ रुक रहे हो। दे आर नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे भैया पार्टी में, दे आर नॉट कमिंग। सो दोस्तों इस प्रकार हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस को बनाते हैं। सो इसमें आपने ध्यान रखना है, एक तो आपको फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, कब आपने प्रयोग करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, और एक बात समझने वाली ये है कि दोस्तों इज एम आर नो एक्शन सेंसेस में कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कैसे यूज़ करना है, और कैसे इन दोनों में अंतर आ जाता है, उस बारे में आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो देखना चाहते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस वाली वीडियो देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैं तीसरी बात करने जा रहा हूँ कि और भैया कहाँ पे इस एमआर का प्रयोग किया जाता है, और वो किया जाता है पैसिव सेंसेस में। अब पैसिव सेंसेस कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये भी समझना होगा कि एक्टिव सेंसेस और पैसिव सेंसेस कैसे करते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि जो एक्टिव सेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ शुरू किए जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, करने वाला, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम शुरू कर सकता है, या हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ही शी इट आई वी यू दे, तो उनके साथ शुरू करते हैं, वो होते हैं सभी एक्टिव सेंसेस। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये भी दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम काफ़ी टाइम एक्टिव सेंसेस का ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जहां पे हमें पैसिव सेंसेस का प्रयोग करना होता है, जिसमें हमें सब्जेक्ट नहीं क्लियर होता कि भैया काम करने वाला कौन है, या हम उसको एम्फोसिस नहीं देना चाहते, यानी कि अहमियत नहीं देना चाहते, या उसकी जरूरत नहीं होती। सो ऐसे केसेस में हम पैसिव वॉइस करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि कर लिया काम, मैंने कहा यस इट इज डन, हो गया। ठीक है, अब ये किसने किया, उससे भाई उसका क्या लेना देना, वो कोई काम दे के गया था, आपने किया, आपके नौकर ने किया, या आपने किसी थर्ड पर्सन से कराया, डजंट मैटर, इट्स डन, यस इट्स डन।
ऑल राइट दोस्तों, तो ये होते हैं पैसिव वॉइस। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, वीडियो बनी हुई है, देखिए और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इज एम आर की तीन सिचुएशंस है, उसमें लेकर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको क्लियर इंडिकेशन हो कि भैया इज एम आर का प्रयोग हमने कैसे यूज़ करना है, नो वर्ब में, कॉन्टीन्यूस में एंड पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में। देखिए अब ये कुछ हैं सिंपल प्रेजेंट टेंसेज। अब इसको बनाने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंसेज भी आने चाहिए, जैसे कि शी राइट्स ए स्टोरी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंसेज वह कहानी लिखती है, रेगुलर उसका एक्शन होता है। तो अगर इसे हमने पैसिव वॉइस में करना है तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे, ए स्टोरी आगे आ जाएगी, ए स्टोरी सिंगुलर है, इज़ आ जाएगा, ए स्टोरी इज़ रिटन। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे राइट रॉट रिटन, सो ए स्टोरी इज़ रिटन बाय हर। और जो ये होता है शी, वो पीछे जाके कन्वर्ट हो जाता है हर, और यहाँ पे हम बाय का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे शी हर में चेंज हो गया, ही हिम में चेंज हो गया, यू में ही रहता है, दे देम में चेंज हो गया, वी अस में चेंज हो गया, आई मी में चेंज हो गया। सो ये भी दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपको कन्फ्यूज़न आ रही है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले इसके पीछे वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, तो अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे ये नेक्स्ट है, कारपेंटर्स मेक फर्नीचर। कारपेंटर्स फर्नीचर बनाता है, उसका काम है भाई बनाएगा। सो फर्नीचर सिंगुलर इज मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फर्नीचर इज मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर्स कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आई ओपन द डोर, मैं डोर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अब भाई कोई आ रहा है कि कर देना ओपन डोर या करवा देना, हमने कह दिया डोर इज ओपन, हाँ डोर खोल दिया है, मेरे द्वारा खोला गया, किसी और के द्वारा खोला गया, डजंट मैटर। नेक्स्ट, दे डोंट हेल्प यू, वो हमारी सहायता, वो आपकी सहायता नहीं करता, सो हम क्या कहते हैं, यू आर नॉट हेल्प बाय देम, उसके द्वारा आपकी सहायता नहीं होती। सो इस प्रकार हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे यू के साथ आर का प्रयोग हो गया जो सिंगुलर, जैसे द डोर है उसके साथ इज का हो गया, फर्नीचर भी सिंगुलर है इज का हो गया, ए स्टोरी है उसके साथ इज का हो गया। सो दोस्तों ये जो इज एम आर है वो मैंने आपको सभी सिचुएशंस बता दिया कि कैसे यूज़ करते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा आईएलटीएस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, तो उनको ठीक है कॉन्टीन्यूस में पता होता है इज एम आर का, पैसिव वॉइस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, नो वर्ब सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियाँ करते हैं राइटिंग टास्क में। सो इसलिए मेरे को वहाँ से आइडिया मिला कि मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए, आपको समझाना चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईएलटीएस कर रहे हैं और अच्छे बैंड्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे आईएलटीएस के बारे में कोई इंक्वायरी चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या आईएलटीएस की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हो, मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट भी है लुधियाना में, वहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। कुछ डिस्कशन करना चाहते हो ट्रेनिंग को लेकर तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है चैनल डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। सो धन्यवाद, थैंक यू।